सबु पिलामानंकु निर्मल क्रिएशन यूट्यूब चैनल को स्वागत। तुम्हारा परीक्षा सरीगला समेटिव आसेसमेंट वन परीक्षा, किंतु केमिति बाहर मैट्रिक परीक्षा फल केमिति आम चेक करवा आमर रिजल्ट, तो यही गोटे प्रश्न बहुत सारा लोकंर डाउट अच्छी आ बहुत सारा टीचर्स पेरेन्ट्स स्टूडेंट्स मो पाक मेसेज कर कि सर आप गोटे पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऊपर गोटे वीडियो करंतु एवं जहाँ कि प्रत्येक पिला जानिपर प्रत्येक गार्डियंस माने जानिपर एवं प्रत्येक पिला खबर टी पहुँची पार केमिति प्रकाश पाइब मैट्रिक्र परीक्षा फल। आज्ञा हाँ, मैट्रिक्र परीक्षा फल कहीं आपण मैंने समस्ते समेटिव आसेसमेंट वन परीक्षा देक आसी सारे, तो एबे माने कहिबा को गले आपण ऑलरेडी गोटे पहाच चढ़ी सारे आउ गोटे पहाच चढ़ी गला पर आपण मानकर सरीगला मैट्रिक परीक्षा, तो केमिति प्रकाश पाइब। देखो प्रथम कथा हूँ तुम्हारो मैट्रिक्र जो सर्टिफिकेट आसीब मु तुमको प्रथम आरंभ करुँ। देख तो मैट्रिक्र जो सर्टिफिकेट आसीब तुम्हारो ना तुम माँ का ना तुम बापा ना डेट ऑफ बर्थ स्कूल सरीगला, तो एतिक सरीगला परे तापरे तुम मानक सब्जेक्ट डिटेल्स थी कौन थी सब्जेक्टर डिटेल्स थी, तो जो सब्जेक्टर डिटेल्स थी तो प्रथम लिखाई थी फर्स्ट लैंग्वेज ओडिया बा एम आई एल थी मदर लैंग्वेज, तो ये कौन थी तुम्हारो शहे हूँ टोटाल मार्क तुम्हें रखीच केते सेमती इंग्लीश रे भी शहे रु के मैथ रे शहे रु के सैंस शहे रु के सोशियाल सैंस शहे रु के थर्ड लांगुएज हिंदी और संस्कृत शहे रु के, तो पिला मनरे गोटे प्रश्न उंकी मारी कि सर जदि शहे रु के सर्टिफिकेट रे आसीबो किंतु आमे समेटिव आसेसमेंट रे परीक्षा दौचु अशी मार्क, तो यही अशी मार्क तो आम परीक्षा दौचु समेटिव आसेसमेंट टू रहा जब मुझे से तुम्हें केते मार्क परीक्षा दबो सही अशी मार्क माने अशी मार्क कहले कौन गोटे सब्जेक्ट मार्क केमती साहित्य में कहली शहे रु के रखीच से ही भाव में तुम ये कौन हो समेटिव आसेसमेंट वन जो साहित्य परीक्षा देच से भी के अशी रु परीक्षा देच सेमती समेटिव आसेसमेंट टू भी तुम से अशी रु परीक्षा दबो, किंतु तुमर जो मैट्रिक्र सर्टिफिकेट आसो से शहे रु के रखीच मो कथा कौन बुझीपार कनसेप्ट को बुझा चेषा कर, तो केमी मार्क बाहर पिला मन में बहुत डाउट अच्छी भिडियो टी सेयार कर खुशी लगे। देख तो मु गोटे गोटे पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कनसीडर करुँ मन कर गोटे सब्जेक्ट हूँ एम आई एल, तो एम आई एल सब्जेक्ट तुम्हें परीक्षा देल के मार्क अशी मार्क परीक्षा देल कौन देल एस ए वन देल, तो आउ अशी मार्क परीक्षा तुम्हें कौथे दबो एस ए टू रे दबो मो कथा बुझिपार, तो अशी मार्क परीक्षा तुम्हें कौथे दिल समेटिव आसेसमेंट वन देल, अशी मार्क परीक्षा तुम्हें समेटिव आसेसमेंट टू रे देल, एवं फॉर्मेटिव आसेसमेंट जोटा तुम स्कूल हो चारिटा हम दीटा ऑलरेडी दे सारी आउ दीटा हम, तो जो चारिटा जाक हो तो गोटे फॉर्मेटिव एफ ए वन के मार्क कल 20 मार्क मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट साहित्य पाई मो कथा बुझी मैंने मुझ साहित्य को केवल धरुची, तो साहित्य पाई कौन है 20 मार्क देल सेमती फॉर्मेटिव आसेसमेंट टू रे भी 20 मार्क फॉर्मेटिव आसेसमेंट थ्री रे भी एफ ए थ्री रे भी केते हबो सही 20 मार्क एवं एफ ए फोर रे केते हबो 20 मार्क, ता माने तुम्हें फॉर्मेटिव केते देल साहित्य पाई 80 मार्क जमी साहित्य पाई 80 मार्क देल सेमती सब सब्जेक्ट पाई भी तुम कत मार्क परीक्षा दबो 80 मार्क परीक्षा दबो, तो 80 मार्क है तुम ये कौन है समेटिव आसेसमेंट वन तुम 80 मार्क देल समेटिव आसेसमेंट टू रे 80 मार्क देल एवं आउ 80 मार्क तुम्हें कौथे देच फॉर्मेटिव रे कौथे देल फॉर्मेटिव रे, तो ये तीन टा जाए बर्तमान तुम्हें कौन कल 80 80 80 मार्क परीक्षा देदेल मो कथा कौन बुझी ना बुझी पार्लि आउ थे मुझ कनसेप्ट को क्लीयर करदे। देख तुम परीक्षा रे जो सर्टिफिकेट आसीब परीक्षा रे तुमरो जो सर्टिफिकेट तुम्हें पाइब मैट्रिक सर्टिफिकेट तो सेथिरे कौन थी सेटा 100 रु कंसीडर करा जाय थी मो कथा बुझी होउची, किंतु तुम्हें 100 मार्क परीक्षा देन तुम्हें 80 मार्क परीक्षा देच केते मार्क परीक्षा देच 80 मार्क परीक्षा देच तीनटा स्टेप रे देच प्रथम स्टेप फॉर्मेटिव असेसमेंट द्वितीय स्टेप समेटिव असेसमेंट वन तृतीय स्टेप समेटिव असेसमेंट टू, तो यही भाव में तीन टा स्टेप तुम्हें परीक्षा देल 80 मार्क लेखा मो कथा पूरा बुझी पारुच ठीक अच्छे, तो एबे आमे कौन करीबा देख मुझे डस्टर यूज करुच तो एबे टिके आमे कौन करीबा कॉन्सेप्ट को क्लियर हुआ प्रथमे, तो एबे आमे कौन करीबा देख तो एबे जो 80 मार्क तुम्हें परीक्षा देल मु आउ थरे भी बुझौ देख, तो ये 80 मार्क तुम्हें परीक्षा देल
तो 80 मार्क रु गोटे पिला रखिला 40 मार्क केते रखिला 40 मार्क रखिला जे कोनोसी गोटे परीक्षा मन नै करो से समेटिव असेसमेंट 1 रे 80 रु केते रखिला 40 रखिला जदि 80 रु से 40 रखुची ता माने 100 रु से केते रखिबो 80 रु 40 होउची 50% ता माने 100 रु 50% माने केते 50 मो कथा कोन बुझी पारिलो ना बुझी पारलोनी आउरी थोड़े सिंपल भाषा रे कहूँ देख तुम्हें साहित्य रे जो 80 मार्क रो परीक्षा देलो समेटिव असेसमेंट 1 रे सेम ती 80 मार्क रो परीक्षा कौ थे देलो समेटिव असेसमेंट 2 रे एवं 80 मार्क रो परीक्षा तुम्हें कौ थे देलो फॉर्मेटिव असेसमेंट रे केवल साहित्य नुहे तुम इंग्लीश गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान हिंदी संस्कृत सबकि तुम परीक्षा दौ के मार्क 80 मार्क परीक्षा देलो एबे मो कथा क्लियर हो गलो तापर जो 80 मार्क रो तुम्हें परीक्षा देलो सेटा को से माने कोड करिवे 100 को कंसीडर करिवे केते को कंसीडर करिवे 100 को कंसीडर करिवे ता माने तुम्हें 80 रो जति की रखिचो ता माने तुम्हें 100 रु केते रखिबो तो 100 रु जते रखिबो तुमरो होजी सेटा मार्क काहे कि ना वेटेज निया जिवो कोन निया जिवो वेटेज निया जिवो तो वेटेज केमिते निया जिवो जो फॉर्मेटिव तुम्हें एडी परीक्षा देलो तो फॉर्मेटिव रु से माने 20% नेबे सेमती समेटिव असेसमेंट 2 रु 40% आउ समेटिव असेसमेंट 1 रु भी 40% ता माने गोटे पिला कोन करिछि 80 रु रखिछि 40 माने कर मु समेटिव असेसमेंट 1 प्रथम कथा कहू छी समेटिव असेसमेंट 1 रो एग्जांपल दउ छी तमे सेहिठु निजरो मार्क जानि परिबो केमि देखो तो जदि गोटे पिला 80 रु रखुछि 40 ता माने से 100 रु केते रखिबो 50 ता माने ये कोन करिवे ना जो 100 रु गोटे पिला 50 मन कर रखिला रखिला एथिरु से माने कोन करिवे 40% नै जिवे ता माने 50 रो केते 40% 20 मो कथा बुझियला ये कोन कले ता माने तमे समेटिव असेसमेंट रे जदि 80 रु रखु जो केते 40 तमरो केते मार्क सेठु निया गला मात्र 20 मार्क मो कथा बुझी पाललो सेठु केते परसेंट से माने ले 40% नै गले एबे मो कथा को त माने ध्यान से सुनो सेमती समेटिव असेसमेंट 2 रे गोटे पिला केते मार्क रखिला मन कर सीए 50 मार्क रखिला केते मार्क रखिला 50 मार्क रखिला बुझी पारु छो तो जदी गोटे पिला 80 रु रखुची 50 ता माने 100 रु केते रखिबो सेइटा को से माने कंसीडर करिवे मो कथा बुझियला तो 50 को मन कर जदी मु कहबी त तुमे 80 रु रखुचो 50 ता माने 80 रो 50 होउची केते शतकड़ा एइटा को देखिया को पड़िबो तापर से माने कोन करिवे जेमति मुठी बुझेली आहरी भी तुमको क्लीअर कट्रे बुझे दौर पूरा व्हाइट बोर्ड को क्लीन करके तुमको मुझे बुझे दौर तुम्हें पूरा बुझाक चेस्टा कर कनसेप्ट कुपर तुम जापर आकचुअली केमी मार्क तुम कनसीडर कर देख भल से बुझ प्रथम कनसेप्ट क्लीअर हुआपर तुम आराम से बुझीपार कहीं बहुत इजी मेथड अच्छी किसी प्रोब्लेम ना बुझापी मुझे तुमको बुझे आउ गोटे एक्जामपल देख देख प्रथम होची एमआईएल साहित्य विषय को मु कंसीडर करूची तो समेटिव असेसमेंट 1 रे गोटे पिला रखिला केते फुल मार्क होची 80 तमे जानिचो तो 80 रु से रखिला 40 बुझी पारचो जदी से 80 रु रखिला 40 ता माने से 100 रु केते रखिबो 100 रु रखिबो 50 सेमती समेटिव असेसमेंट 2 रे भी से पिला केते रखिला मन कर 40 रखिला तो 40 रखिले माने 100 रु केते हबो 50 सेमती फॉर्मेटिव असेसमेंट जोड़ा तुम मानक हूँ टोटालटा फॉर्मेटिव असेसमेंट जो चारिटा एग्जाम होड़े कोड़े 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 चार्टा साहित्यपाई दबो ना नहीं तो सी हूँ कैसे 80 मार्क तो 80 रु भी सी रखिला से 40 मो कथा बुझी जदि 80 रु रखिला 40 ताने 100 रु से कैसे रख 50 रख कनसेप्ट बुझी पार्च एटा केवल साहित्यपाई सेमती इंग्लीश भी समेटिव असेसमेंट 1 80 रु केते रखिला समेटिव असेसमेंट 2 रे 80 रु केते रखिला फॉर्मेटिव रे 80 रु केते रखिला इंग्लीश पई गणित पई सामाजिक विज्ञान पई जनरल साइंस पई साधारण विज्ञान पई ये सब जाक एमती कंसीडर करा गला मु केवल प्रथमे साहित्य को देखिली तो 80 रु से 40 रखिला त माने से 100 रु केते रखिबो 100 रु 50 रखिबो जमी 80 रु जने फुण 40 रखिला समेटिव असेसमेंट 2 रे मुका एटा एग्जांपल देले कोन हबो तमे आराम से बुझी पारिबो सेति पई मु जमी छिंडी जाउथिबो माने अछिंडा हो नथिबो सेही बळे उटे कांसेप्ट सिंपल कांसेप्ट मुटे नेली तो 100 रु से 50 एठी 50 एठी 50 रखि देला ता माने कोन हमर जो मेथड अछि समेटिव असेसमेंट 1 रु 40% वेटेज निया जिवो केते परसेंट वेटेज निया जिवो
40% ୱେଟେଜ୍ ନିଆଯିବ। ସେମିତି ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୁରୁ କେତେ ନିଆଯିବ 40% ଏବଂ ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୁରୁ 20% ୱେଟେଜ୍ ନିଆଯିବ। ମୋ କଥା ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ? ତାମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି 50 ରଖିଲା 100ରୁ, ତ ଆମେ ଶତକଡ଼ା ତ 100ରୁ ବାହାର କରିବା ନା, ସେଥିପାଇଁ 100କୁ କନସିଡର କରାଗଲା। ତ 50ରୁ ମାନେ 50ର 40% ତାମାନେ କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ଏଠି ବାହାର କରିଦେଉଛି ଦେଖ, 50 × 40 ବିଭକ୍ତ କ 100 କଟିଗଲା, ଶୂନକୁ ଶୂନ 5 ଆଉ 20 ମାର୍କ, ତାମାନେ ସେ ସମେଟିଭ୍ରେ କେତେ ରଖିଲା 20 ମାର୍କ ପାଇଲା। ମୋ କଥା ବୁଝିହେଉଛି? ସେମିତି ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୁ, ଇଏ ବି ସେଇ 40 ମାର୍କ ଅଛି, 50 ଇଏ ବି 40%, ତ 40% ମାନେ ତାର ବି ସେଇ ରହିଲା 20 ମାର୍କ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ଫର୍ମାଟିଭ୍ର 50 ରୁ 20 ମାନେ 50ର 20% ତାମାନେ 50 × 20/100 କଟିଗଲା, ତ 5 × 2 = 10 କେତେ ମାର୍କ ହେଲା, 10 ମାର୍କ। ତାମାନେ ସେ ତାର ଟୋଟାଲ ସାହିତ୍ୟରେ କେତେ ରହିବ, 100 ରୁ 20 × 40 = 10 = 50 ତାମାନେ ତାର ସାହିତ୍ୟରେ କେତେ ରହିବ, ଏଠି ଏମଆଇଏଲ୍ରେ 100 ରୁ 50 ପାଇଗଲା। ସେମିତି ଯେମିତି ଏମଆଇଏଲ୍ରେ ସେ 50 ପାଇଗଲା, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଇଂଲିଶରେ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1 80 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, କେତେ ରଖିଲା, ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2 80 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, କେତେ ରଖିଲା। ଫର୍ମାଟିଭ୍ରେ ସେମିତି ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ବାହାର କରିବ, ଗଣିତ ପାଇଁ, ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ। ତ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ କ'ଣ, 80କୁ କେମିତି ଆମେ 100ରେ କନଭର୍ଟ କରିବା, ତାପରେ ତ ଶତକଡ଼ା ଆମେ କରିପାରିବା। ଦେଖ ଗୋଟେ ଥିମ୍ ଅଛି, ଯଦି ତମେ 80ରୁ ରଖିଲ ଏତିକି, 100ରୁ ରଖିବ କେତିକି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରିଦେବି ତମମାନଙ୍କୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବାହାର କରିକି, ସେଇ ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖିକି ତମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼, କାହିଁକିନା ଦେଖ ଆମେ ତ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ କରିପାରିବାନି କି ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ରେ ଆମର 30ରୁ କେତେ ରହିବ, ହୁଏତ 27-28 ରହିପାରେ, ହୁଏତ 15-17 ରହିପାରେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ଭାବିଛେ ଆମେ ଏଇଆ ଲେଖିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଠିକ୍ ଲେଖିଛେ ଭୁଲ ଲେଖିଛେ ସେ ତ ଏକ୍ଜାମିନର ହିଁ କହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 50 ମାର୍କର ତମେ MCQ ଦେଇଛ, ତ ସେଇଟା ତୁମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କହିପାରିବ କି ହଁ ମୁଁ 50ରୁ 45 ରଖିବି କି 50ରୁ 30 ରଖିବି, ସେଠି ତମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କହିପାରିବ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ତୁମେ କରିପାରିବ କି ହଁ ମୋର ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1 ଏତିକି ରହିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଜାଣିନେ ସମେଟିଭ୍ 2ର ପରୀକ୍ଷା ମାନେ ଫେବୃଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ହେବ ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି ଏବେଠାରୁ। ତ ଫର୍ମାଟିଭ୍ ତୁମେ ତ ଅଲରେଡ଼ି 2ଟା ଦେଇଛ, ତ ପୁଣି ଆଉ 2ଟା ଅଛି, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦିଅ, ତୁମ ପାଖରେ ରଖ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ରେଜଲ୍ଟ ମାନେ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ସରିଯିବ, କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ସରିଯିବ, ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2 ପରୀକ୍ଷା ସରିଯିବ, ତ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜର ମାର୍କ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିପାରିବ, ବୁଝିହେଉଛି? ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ନିର୍ମଲ କ୍ରିଏସନ୍ ଏବଂ ନିର୍ମଲ କ୍ରିଏସନ୍ 2.0 ଦୁଇଟି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, କାହିଁକିନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମେ ପାଇପାରିବ, ହଁ ନିର୍ମଲ ସାର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସିମ୍ପୁଲ କନସେପ୍ଟ, 80ରୁ 100କୁ କନଭର୍ଟ କରିବା, ଦେନ୍ ତାର ୱେଟେଜ୍ ନେବା। ତ ମନେକର ଗୋଟେ ପିଲା ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1 ଦେଇନି, ତାର ଏଇ 40% ମାର୍କ କଟିଗଲା, ସିଏ ଆଉ ପାଇବନି, ସିଏ କେବଳ ଏଇ 2ଟାର ମାର୍କ ମାନେ 60% ମାର୍କ ଯେତିକି ରହିବ 30 ସିଏ ସେତିକି ପାଇବ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଜି ମେଥଡ଼। ତ ଯଦି ବି ତୁମ ମନରେ କିଛି ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି, କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି, ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବ, ମୁଁ ସେ କମେଣ୍ଟକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଯଦି ବି କିଛି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, ହଁ ଟିକିଏ ମିଷ୍ଟେକ୍ କେଉଁଠି ଅଛି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଅ, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେଇଟା ସଂଶୋଧନ କରିବି, କାହିଁକିନା ଯେତିକି ନୋଟିସ୍ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ମୋତେ ଏତିକି ହିଁ ଲାଗିଲା ହଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବି କିଛି ଲାଗୁଛି ସେମିତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ମାର୍କ କେତେ ରହିବ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ କୁହନ୍ତୁ କି ହଁ ସାର୍ ମୋର 600ରୁ କେତେ ରହିବ। ହେଲା, ସୋ ଧନ୍ୟବାଦ।